तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस गांव में जहां हम अभी अवस्थित हैं, अनुग्रह नारायण रोड घाट स्टेशन के नज़दीक निकट सूरजमल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया हुआ 1907 में निर्मित यह ब्रिटिशकालीन पूर्व से निर्मित एक धर्मशाला का निर्माण किया गया है। वो इसलिए किया गया है, जो भी श्रद्धालु हैं जो कि पितृपक्ष के मास में आते हैं अपने पितरों का श्राद्ध क्रम हेतु, पितरों से अभिप्राय है जो स्वर्गवासी हो गए हैं, जिनके माता पिता उनकी याद के लिए, उनके धार्मिक अनुष्ठान के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और कुछ तो उन्हीं उन विशेष लोगों के ठहराव के लिए और उनके रहने की व्यवस्था के लिए ये निर्मित किया गया है। सूरजमल जी धर्मशाला जो कि 1907 ईस्वी में बना है, आप देख पा रहे होंगे, राय सरमूल बहादुर ऑफ कोलकाता ऑल हिंदू। आप वहाँ हम कैमरामैन छायाकार महोदय से बोलेंगे कि अगर वो जूम करके अगर दिखा पाने में सक्षम है तो उसे दिखाने का कष्ट करेंगे, क्योंकि जो थोड़ी सी धुंधली है जो पढ़ने में नहीं आ रही है, और हम अपने छायाकार महोदय को कहेंगे कि थोड़ा सा अंदर चलें और अंदर का परिदृश्य आपको दिखाते हैं। हालांकि ये जो धर्मशाला है यूनेस्को की श्रेणी में आती है, यूनेस्को संरक्षित करती है, यूनेस्को एक संस्था जैसी कि सभी आप अवगत हैं, यूनेस्को जो भी भारतीय पुरातत्व विभाग की है या जो भी इस तरह की ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो कि उनकी ढांचागत है उसको संरक्षित करती है, उसको देखभाल करती है। तो इस तरह का एक महल नुमा बनाया गया है ये धर्मशाला। तब के ज़माने में ब्रिटिशकालीन ये रहा सीढ़ियाँ आप देख पा रहे होंगे, हालांकि जर्जर स्थिति में तो ज़रूर है। और इधर हम अपने छायाकार महोदय के कहेंगे कि इधर भी आके अगर दिखा सकते हैं तो ये कुछ प्रांगण का परिदृश्य है, हालांकि काफ़ी जर्जर स्थिति में, और हालांकि मजबूती तो हम इस बात से इनकार नहीं कि लेकिन जर्जर स्थिति में इसकी देख रेख की हम समझते हैं आवश्यकता है। अब देख पा रहे होंगे श्री सूरजमल जी धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा निर्मित है, और ये हेरिटेज हम लोग की भारतीय संस्कृति पुरातत्व में बहुत मायने और महत्व है इसका। और ये कुछ दरवाजे हैं, तब के दरवाजे आज यूं ही मरना सन स्थिति में है, हालांकि इसके देख रेख की ज़रूरत है, और हम चाहेंगे कि इसे कुछ भौगोलिक दृष्टि से ये इसका जीर्णोद्धार किया जाए और पुनः इसे संचालित किया जाए। और रेलवे का ये छोटा मोटा इसे कोई रेलवे कर्मचारी रहने के लिए साधन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बगल में छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे की एकल पूर्जे हैं आप देख पा रहे हैं। तो यही है, और तो धर्मशाला के अंदर में चलते हैं और थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, और वीडियोस के आखिर तक बने रहेगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और एक शेयर एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारा आत्मविश्वास और भी जागृत और आत्मविश्वास बढ़ाता है, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। तो दीदी भैया और सभी सम्मानित बुद्धिजीवियों से अपील है कि हमारे चैनल को कम से कम एक शेयर करें अपने मित्र और दोस्तों के आसपास। तो इसी चलते हैं धर्मशाला के दूसरे हिस्से में, दूसरा भाग में आप देख पा रहे हैं वहाँ है, हम छायाकार महोदय से कहेंगे वहाँ दिखाइए, और धर्मशाला के दूसरे हिस्से में चलेंगे, वो भी बहुत ही जर्जर स्थिति में है, और हम चाहते हैं इसका जीर्णोद्धार हो, और जीर्णोद्धार के लिए इसको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये शासन प्रशासन तक पहुँचे और इसे एक हेरिटेज का संस्थापना किया जा सके, और इसे पर्यटन की दृष्टि से ये एक अति विशिष्ट स्थान भी हो सकता है, जिसे ग्रामीण स्वरोजगार और इसे लोगों का जीविकोपार्जन करने में सहायता होगी, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए, और हम ज़्यादा देर न करते हुए अब चलते हैं धर्मशाला के दूसरे हिस्से में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। हम अब चलते हैं धर्मशाला के छत के ऊपर और वहाँ का दिखाएंगे कुछ परिदृश्य की
धर्मशाला उसकी क्या स्थिति है, तो सीढ़ियों से होते हुए हम चलते धर्मशाला के ऊपर। जाने का ये रास्ता है, आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, किस प्रकार इसका दोहन किया गया है। अगर इसकी सर सफाई और इसे सुव्यवस्थित कर दिया जाए तो ये ज़रूर एक पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है, जिसे ग्रामीण स्वरोजगार पैदा किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं कि सामने कितना जंगल और काफ़ी अवांछनीय घास और दूसरे पौधे और ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत ही विशेष महत्व रखता है। ये तब के ब्रिटिश कालीन में देश विदेश से लोग अब आया करते थे, लेकिन आज ये घोर उपेक्षा का शिकार है और इस घोर उपेक्षा का शिकार है और बहुत जल्द ये मरणासन्न स्थिति में है। और हम चाहते हैं कि इसे जो अब तब लगभग खंडहर नुमा तब्दील हो चुका ये जो धर्मशाला है, जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है, इसकी देखभाल की जाए और सरकार इसका संज्ञान मिले, शासन प्रशासन के वरीय पदाधिकारी इसको संज्ञान मिले और ये सब एक भारतीय ऐतिहासिक दृष्टि से इस धर्मशाला का बहुत महत्व है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने छायाकार महोदय से, किधर भी दिखाएँ, और ये धर्मशाला का जो है मुख्य धर्मशाला है और हम ठीक धर्मशाला के अभी पीछे छत पर अवस्थित है। धर्मशाला के अंदर भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि धर्मशाला की वास्तविक स्थिति, उसके अंदर का परिदृश्य कैसा। फिलहाल तो आप देख पा रहे होंगे कि धर्मशाला का ये जो ये छत है, आप नीचे दिखा दीजिए छायाकार महोदय, छत है ये छत, और छत पर आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे पेड़ पौधे, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हम किसी जंगल या खेत में हों। आप इसकी घोर उपेक्षा का आप देख पा रहे होंगे कि सामने ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। छायाकार महोदय के मैं उनसे निवेदन आग्रह करूंगा कि आसपास का ये जो परिदृश्य दिखा दीजिए कि कितनी घोर उपेक्षा का ये जो धरोहर हमारी आज शिकार है, और क्यों ना इसे हम लोग एक ग्रामीण पर्यटन के रूप में बढ़ावा दिया जाए और ग्रामीण स्वरोजगार पैदा किया जाए। क्या सरकार और शासन प्रशासन की नज़र इस ओर नहीं टिकती कि हमारे गांव में स्वरोजगार के बहुत सारे संसाधन हैं, बस उन्हें विकसित करने की ज़रूरत है, उन्हें देखरेख की ज़रूरत है। और मैं सरकार से और शासन प्रशासन के वरीय पदाधिकारी और अपने सम्मानित सदस्यों से निवेदन आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी बात, हमारी मौलिक अधिकार, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को आगे बढ़ाने का कार्य करें और इस कार्य में हमारा सहयोग करें। और सामने से आप देख पा रहे हैं कितना प्राकृतिक परिदृश्य है, और सामने से कोलकाता और दिल्ली को जोड़ती हुई भारतीय रेलवे की ग्रैंड ट्रैक रोड रेलवे लाइन, और ये अनुग्रह नारायण रोड स्थित घाट स्टेशन के पास सूरजमल सिंह का धर्मशाला। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राष्ट्रहित में और ग्रामीण हित में एक सहयोग करें। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये कुछ धर्मशाला का बाहरी दृश्य है, परिदृश्य है, आप देख पा रहे होंगे।